अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है। आज मैं आपको यूट्यूब चैनल का लोगो बनाना सिखाऊंगा, अपनी एपिक वाला जो कार्टून्स टाइप की होती है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पर। ठीक है, और ये लोगो बनेगा पिक्सल लैब में। ठीक है, तो चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पिक्सल लैब को ओपन करें, फिर इसमें शेप सिलेक्ट करें और सर्कल वाला जो शेप है ना उसको सिलेक्ट करें। ठीक है, अब इसको इसके मुताबिक लें, उसके बाद इसमें कलर सेलेक्ट करें जो भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे ये येलो वाइट का कॉम्बिनेशन ये सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने इस पर अपनी पिक लगानी है गैलरी से। अभी आपको मैं पिक लगा के दिखाता हूँ गैलरी से। ये पिक मैंने कर ली, ये आ गई पिक हमारी। अब पिक को इस पे एडजस्ट आपने करना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा यूट्यूब का जो लोगो है। ठीक है, उसको अपने फाइल में से सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपने सेव किए। अब तबीयत ठीक नहीं, इसकी वजह से मेरी आवाज़ सही नहीं है थोड़ी सी, अगर इसलिए माजरत। बाकी बार गली में बच्चों का शोर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी हमने ये सिलेक्ट करी लोगो और इसका जो बैकग्राउंड है वो हमने इरेज कर लिया। ठीक है ना, अब इसको अपनी पिक के बैकग्राउंड में लगाएंगे। उसका ये तरीका है कि जहाँ पे पहले लोगों को वो कर देंगे जहाँ पे ये एडजस्ट हो, उसके बाद अपनी जो पिक है उसको हम वो करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, पिक को सिलेक्ट करने के बाद हम उसको टू फ्रंट पे कर लगाएंगे। ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं मैंने कर दी, टू फ्रंट पे आ गई। सही है, अब अपनी पिक को भी वो करेंगे एडजस्ट। ठीक है, जहाँ पे सही तरह से हो एडजस्ट, और इसको काफ़ी एहतियात से करना है ताकि ज़रा भी अच्छी नहीं हो तो फिर वो आपका लोगो है ना वो अच्छा नहीं बनेगा, मज़ेदार नहीं बनेगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर लोगो अच्छा नहीं दिखे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अभी मैंने शेप को लॉक कर दिया ताकि शेप अपनी जगह से ना हिले। जिस चीज़ को भी आप वो कर दें एक बार सिलेक्ट, उसको दोबारा नहीं है ना अपनी जगह से हटाना, तो उसको लॉक कर दें ताकि वो अपनी जगह से ना हिले। ठीक है ना, पिक्चर को भी मैं कर दूँगा एडजस्ट अपनी जगह पर, उसके बाद इसको भी मैं लॉक कर दूँगा। सही है, उसके बाद जो अपना अगला जो मरहला आएगा उसमें मैं अपने चैनल का नाम लिखूँगा, उसके लिए मैं वो बनाऊँगा शेप। ठीक है, अभी आप देखें ये लोगो एक बार हो गए एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा शेप को सिलेक्ट। ठीक है ना, जो शेप आपको अच्छी लगे वो लगा दो, मुझे ये नीचे जो लेवल टाइप की शेप है इसको मैं ओके कर दूँ। सही है ना, और इसको मैं रोटेट करूँगा। बाकी ये शेप आप जिस तरह करना चाहे। सही है ना, मैं इसको इनर शेडो भी देता हूँ और इसका जो स्ट्रोक है वो भी मैं वो कर देता हूँ एनेबल। सही है, तो काफ़ी अच्छा अब दिख रहे हो ये वाइड पे। ठीक है ना, इनर जो शेडो की है उससे भी अच्छा आएगा और जो स्ट्रोक पे वो भी अच्छा है। इसका फ्रंट पे जो आ रहा है ना शेप काफ़ी अच्छा ये लुक दे रहे हैं। सही है ना, पिक को मैंने वो कर दिया फ्रंट, अभी ये शेडो कर दिया ओके। ठीक है, इसके बाद मैं शेडो पे अभी अपने चैनल का नाम लिखूँगा। तो अभी आप देखें मैं नाम लिख रहा हूँ अपने चैनल का, जो मेरे चैनल का नाम है। यहाँ पे आप अपने चैनल का नाम लिखें जो आपके चैनल का नाम है। ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने मिस्टर सी 2.0। अभी इसको यहाँ पे मैं करूँगा एडजस्ट, और इसके बाद ये ब्लैक कलर मैंने किया सिंपल सा ब्लैक कलर, यहाँ पे अच्छा लगेगा यही कलर अच्छा लगता है, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लें। ठीक है, ओके कर दिया। अब इसके बाद इसमें मैं इसके जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको चेंज करूँगा, जो फ़ॉन्ट्स अच्छे लगे मैं सिंपल से यहाँ पे करूँगा, ज़्यादा वो नहीं करूँगा, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर दें। ठीक है ना, मुझे अभी ये फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा तो अभी मैंने ये कर दिया इसको ओके कर देता हूँ। जो भी अच्छा सा फ़ॉन्ट है सिंपल सा मुझे लोगों को करने है रेडी। ठीक है ना, ये अच्छा कर दिया क्योंकि ये दिखने में भी अच्छा है और वाजह आ रहे नज़र आ रहा है। ठीक है ना, ओके कर दिया, ये हो गया। अब इस पिक्चर को मैं कर दूँगा सेफ। सही है, सेफ होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे उसमें अपना इसमें पिक्स आर्ट में। पिक्स आर्ट में ये है कि ये सर्कल में पिक हो जाएगी, बाकी जो फालतू वाल है ना वो साइड से डिलीट हो जाएंगे। सही है, ये कर दी। अब इसको वो करेंगे मास्क। ठीक है, शेप मास्क करेंगे, सॉरी शेप मास्क में इसको जो सर्कल है उसमें इसको मैं कर दूँगा ओके सर्कल वाले में। ठीक है ना, ये वाइट में हो गया, जो इसकी साइड से जो फालतू है ना वो हो जाएगा डिलीट। हम इसको सर्कल में बिल्कुल इसको अच्छी तरह से वो करना है एडजस्ट आपने। ठीक है ना, अभी मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं काफ़ी ये थोड़ा सा टाइम लेता है, एडजस्ट हो जाएगा ये। एक बार इसको ओके कर दूँगा, उसके बाद इसको मैं इरेजर जो है ना वहाँ जाके जो साइड से जो ये ना वाइट इसको मैं कर दूँगा डिलीट। अभी ये हो गया, सही है, इसके बाद इसको मैं करूँगा सेफ। ठीक है, सेफ
करने के बाद इसको मैं इरेजर ऐप में ओपन करूँगा। ये सेफ हो गया, सही है। अभी ओपन करते हैं इरेजर ऐप। इरेजर ऐप में फिर मैं इसे दोबारा ओपन करूँगा इसी तस्वीर को, सही है, जहाँ पे ये वहाँ से निकाले पिक्स आर्ट से उठाई, ओके किया। अब इसकी जो बैकग्राउंड है ना उसको ऑटो कलर के ज़रिए रिमूव कर देंगे। तो अब इसको मैं कर दूँगा सेफ, ठीक है ना, ये यहाँ से उसको कर दूँगा ओके, और ये होगी सेफ। अब दोबारा से जाएंगे अपने पिक्सल लैब में, इसी पिक्चर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, ये मैंने कर दी सिलेक्ट, पिक्चर आ गई। अब इस ओके कर दूँगा, ठीक है ना। तो अभी इसका देखिए बैकग्राउंड है, इसको मैं कर दूँगा वाइट, सही है ना, कलर में जाएँ, ठीक है ना, ये कलर सेलेक्ट किया, वाइट कर दूँगा, ठीक है, हो गया वाइट, ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ पर करूँगी एडजस्ट, सब देखेंगे ये जो यूट्यूब का लोगो है ना, इसमें जो वाइट है ना, जो प्ले बटन उसमें वाइट वो अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे मैं ये कर दूँगा एक शेप सेलेक्ट, ठीक है ना, और ये लगा दूँगा उस पे लोगो पे, तो वाजह नज़र आ जाएगा, सही है ना। अभी मैंने शेप की, ये शेप की सिलेक्ट, ठीक है ना। अभी इसको मैं बटन पे जाके इसको वो करूँगा एडजस्ट, तो ये अच्छी काफ़ी अच्छी नज़र आएगी, अच्छी होगी। आपको मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए माफ़, सही है। अभी इस बटन की जगह पर इसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना, हो गया ये। इसी तरह से आपने भी इसको करना है, ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो आप पूरी देखोगे तो आपको समझ आएगी, आधे में छोड़ दोगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। इसकी पोजीशन भी चेंज करूँगा, सही है, ओके हो गया। अब इसके बाद जो मेरा लोगो है ना, फिर इसको मैं लॉक कर दूँगा, उसके बाद जो लोगो है ना उसको मैं इनर शेडो दूँगा, सही है ना। इनर शेडो से आप देखेंगे देखें। इसकी जो लुक है ना, फाइनल लुक वो आ जाएगी। अभी आपका जो लोगो है ना एडजस्ट करने के बाद ये लोगो आपका तैयार हो जाएगा, और अभी आपका लोगो ये तैयार है, ठीक है ना। अभी आपने इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं करना, बस इसी को एडजस्ट आपने करना है, जो कलर यहाँ पे सही लगे, मैं तो ब्लैक को करूँगा, ठीक है ना। बाकी वैसे जो कलर भी आपके अच्छा लगे, जो ब्लैक है ना वही यहाँ पर अच्छा लगते, तो मैं आपको ब्लैक का छोड़ दूँगा, ब्लैक को आप सेलेक्ट करें, ओके हो गया। अब इसके बाद आप इसको वो कर रहे सेफ अल्ट्रा पे, सही है ना। तो आपकी पिक कभी ये रेडी है, या आपका लोगो है, ठीक है। तो आपका लोगो ये तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शुक्रिया।